कांता से बीजेपी विधायक नारायण पटेल पर जानलेवा हमला होने का मामला सामने आ रहा है। नारायण पटेल के वाहन को बदमाशों ने ओवरटेक कर टक्कर मारी पहले, और इसके साथ ही बदमाशों ने वाहन को पलटाने की भी कोशिश की, जिसमें बदमाश सफल नहीं हो पाए। गनीमत रही कि विधायक सुरक्षित हैं। उन्होंने थाना नर्मदा नगर जाकर पुलिस से शिकायत भी की है। आपको बता दें कि बदमाश वाहन छोड़कर वहां से फरार हो गए। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। गुजर खड़ी में मेरे कार्यक्रम थे, तो मोन आके वहाँ लगभग 4:45 भाई है। ये जो अभी गाड़ी जो ट्रेस हुई है, ये गाड़ी में 2-3 व्यक्ति बैठे थे, और उनने यहाँ पे पुनासा के यहाँ उनका रोकने का पूरी कोशिश की, मगर इतनी गाड़ी फास्ट थी और वो समझ गए थे कि ये घेराबंदी कर रहे हैं, तो चौकी प्रभारी जी को भी वो अगर नहीं हटते, उनने पूरी कोशिश की। जो मेरे साथ जो घटनाक्रम हुआ है, वो घटनाक्रम इसी प्रकार का समझो। और इस सब पूरी खबर पर हमारे साथ रेहान हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी अभी ताजा अपडेट क्या है, क्या इन बदमाशों का कुछ पता चल पाया, क्या कुछ कहेंगे आप? जी मैं बताना चाहूंगा कि मानदाता विधायक जो भाजपा के विधायक जो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में गए थे और उपचुनाव जीत करके मानदाता से विधानसभा चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंचे थे, उन पर कल जो है ओंकारेश्वर से पुनासा आते समय मोहना के पास में कुछ लोगों ने गाड़ी ओवरटेक करके हमला करने की कोशिश की, ऐसा विधायक आरोप लगा रहे हैं। और उनके ड्राइवर द्वारा पुनासा थाने में जो है इस तरह की शिकायत भी की गई है, जिसकी जांच करते हुए पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कहीं ना कहीं कुछ ही दूरी पर वो जो वाहन ओवरटेक कर रहा था बार बार उसको जब्त कर लिया है, मगर आरोपी जो है वो अभी भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस लगातार इसकी सर्चिंग कर रही है और पुलिस अधीक्षक इस मामले में नजर बनाए हुए। जी शेख रियान आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको खबर बता रहे हैं कि मदांता से बीजेपी विधायक नारायण पटेल पर जानलेवा हमला हुआ है और बदमाशों ने इनकी गाड़ी को ओवरटेक कर टक्कर मारी और पलटाने की भी कोशिश की, जिसमें बदमाश सफल नहीं हो पाए।